नवरात्र शुरू होते ही डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी मंदिर सैकड़ों की संख्या में पदयात्री माता के दर्शन के लिए रवाना होते हैं, जिनकी सेवा और जलपान की व्यवस्था कर सेवा समिति अपना कर्तव्य निभा रही है। नवरात्रि शुरू होते ही डोंगरगढ़ जाने वाले भक्तों ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों की संख्या में भक्त दूर दराज से पैदल यात्रा कर डोंगरगढ़ माता बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए दुर्ग होते हुए जा रहे हैं। इन यात्रियों की सेवा के लिए इस वर्ष भी अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा पंडाल लगाया गया है। इस दौरान डोंगरगढ़ जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए शिवनाथ नदी पुल के बाद राजनांदगांव रोड में भंडारे का आयोजन भी सभी नवरात्रि पर्व के दौरान किया जा रहा है। यहाँ चिकित्सा सुविधा के अलावा चाय, नाश्ते, भोजन, स्नान एवं रुकने का भी इंतजाम पैदल यात्रियों के लिए किया गया है। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी। को इसकी प्रेरणा जो है वो सिटी के अंदर में बाकी लोगों के जो आयोजन रहते थे बहुत पास पास में रहते थे, जहाँ की उतने पास में आवश्यकताएं नहीं थी, उसके बावजूद भी लगाते थे सिर्फ बैनर और वो शो करने के लिए। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि शहर के बाहर जहाँ लंबी दूरी के बाद में इनको पानी की और थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती है, तो शायद यहाँ पर इंतजाम करने से, तो हम दोनों तीनों लोगों ने अचानक विचार किया और अचानक से मन बना तो हम लोगों ने यहाँ पे चालू किया। और उसमें फिर हमको और हमारे अंदर अंतरात्मा प्रेरणा देती गई कि भी इसमें हम चिकित्सा व्यवस्था भी शामिल कर लें, उपवास वालों के लिए फलाहार की व्यवस्था भी रहती है, अष्टमी के दिन हम लोग कन्या भोजन भी यहाँ पर पूजन भी करवाते हैं, उसके बाद ही इसकी पूर्णाहुति होती है। और लगातार पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि भी दूर दराज के जो रायपुर के भी और आगे से जो आते हैं बिलासपुर वगैरह साइड से भी पदयात्री, वो लोगों के मुताबिक वो लोग डेस्टिनेशन ये फिक्स करके उनके लिए ये एक फिक्स पॉइंट हो गया है कि यहाँ पर जा करके ही हमें राहत मिलेगी, वो बीच में कहीं पे भी गैप लेना भी नहीं चाहते। और ये उनके उद्गार है, हमारे पास में उनके लिखे हुए मतलब नोट्स भी पड़े हुए हैं और वो लोग भी हमें प्रेरित करते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं जिन्हें भी हम पूरी तरह से लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं। पर्व में जाने वाली जो पदयात्री हैं उनके लिए अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा जो है रहने की, भोजन की, मेडिकल की और जलपान की पूरी व्यवस्था रखी गई है। और जो भी पदयात्री यहाँ से जाते हैं उनको हम सेवा देके बड़ी संतुष्टि महसूस करते हैं कि अगर के हम उनके कोई काम आए तो हमें और हमारे परिवार को बहुत संतुष्टि मिलती है। इस साल जो है कल प्रथम दिन था, आज दूसरा दिन है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल पदयात्रियों की संख्या जो है पूर्व की अपेक्षा डबल हो गई है। बहुत ही रैला लगा हुआ है, परसों रात अमावस्या के दिन से ही पदयात्री आना चालू हो गए थे और आज वो निरंतर बना हुआ है। हमारे पंडाल में करीब करीब अभी तक के 1500 से 2000 पदयात्री जो है यहाँ लाभ लेके पंडाल में अपनी सेवा लेके यहाँ से डोंगरगढ़ के लिए रवाना हो का पर्व चल रहा है साहब। 9 दिन नवरात्रि का पर्व है और दूर दूर से लोग आते हैं इस पर्व में और नंगे पैर चले आ रहे हैं माई के दरबार बम्लेश्वरी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उनकी सेवा के लिए तो लायंस क्लब दुर्ग मिडटाउन हमेशा से करते आया है सेवा। लायंस क्लब हमेशा सेवा भाई संस्था है और सेवा ही करना उनका धर्म है, कर्म है। और ये पदयात्रियों की सेवा करके एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। शुरू से जुड़े हुए हैं और इनके सेवा भाई कार्य को देखते हुए हम लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया। इसमें हमारा खंडेलवाल महिला मंडल की जो अध्यक्षता है रश्मि खंडेलवाल, उनको ये विचार आया कि हमें भी यहाँ पर आ करके सहयोग देना चाहिए। उनके द्वारा और हमारे द्वारा सबके द्वारा यहाँ पे सहयोग दिया जा रहा है। ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।